जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अजय देवगन जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म में चाणक्य की भूमिका में नजर आने वाले हैं और इस खबर को तो बीते कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि अब खबर आ रही है कि अजय जल्द ही एक और बायोपिक में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, ये फिल्म फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक है जिसे बोनी कपूर, आकाश चावला और जॉय सेन गुप्ता ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में अजय फुटबॉल कोच के लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के चलते अजय और बोनी कपूर बॉलीवुड में 16 साल के बाद एक साथ काम करने वाले हैं। फिल्म को अमित शर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं। आपको बता दें कि सैयद अब्दुल रहीम को फुटबॉल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। 1956 में हुए मेलबर्न ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट में उन्होंने भारत की टीम को पहली बार सेमीफाइनल्स तक पहुँचाया था। भारत में फुटबॉल को एक नए मुकाम पर पहुँचाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक इंटरव्यू में फिल्म के बारे में बात करते हुए बोनी कपूर ने कहा, आकाश और जॉय जब मेरे पास फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की कहानी लेकर आए तब मुझे हैरानी हुई कि इनकी कहानी अब तक कैसी छुपी रही। मैं इस स्पोर्ट्स पर्सन की कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। फिलहाल अजय अपनी अपकमिंग फिल्म तानाजी में एक योद्धा के किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं और इसके साथ ही वो कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल के जरिए लोगों को हंसाने भी वाले हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड की तमाम एंटरटेनिंग खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें।